हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राकेश मिश्रा। दिस इज वेरी एसेंशियल टॉपिक फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। फॉर क्लास 10th द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट ऑल द पोर्शन ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन्स, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर यू हैव लर्न द मेन टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ट्रेड्स एंड इट्स टाइम। This is part second video lecture of the heredity and evolution portion. In this video lecture, I am going to discuss about the remaining portion of previous video lecture. So let's back in online class and see whatever the important concept regarding second part of heredity and evolution, means chapter 4, second part. In previous video lecture, you have seen the genes and genetics. What is gene and what is genetics? There is a unit character in your body that copy the whole properties of body and deliver it to the next generation. It means there is a unit found in the DNA in the region of nucleus and chromosome that actually copy the whole from head to tail, and this carry the one set of the overall body property to the next offspring. That unit is known as gene, and that was first discovered by Gregor John Mendel, but name was factor given by Mendel, later gene term given by Johnson. And the genetics is the branch of biology in which we are studied the genes and its function. It means this is the branch of biology that deals with the study of genes and its inheritance. Genes and its inheritance to the next generation. So what actually we will discuss, we will study in genetics portion, the mechanism and function of genes. Let I get it in frame, इसको मैं frame में ले रहा हूँ, चलो अब ये frame में आ चुका है, ठीक है। So in the portion of genetics, this is the important branch of biology, the special branch of biology in which what special things we are going to discuss, what we have studied, the genes and its inheritance to the next generation. एक एक करके सारी चीजें मैं बताऊंगा, जीन में इनहेरिटेंस क्या होता है और हेरिडिटी क्या होता है। फिलहाल अभी आप जानो कि जेनेटिक्स के अंदर ही सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, जीन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है, हेरिडिटी, वेरिएशन, ट्रेड, ये सब स्टडी के लिए हमको एक स्पेशल ब्रांच सेलेक्ट करना है बायोलॉजी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कभी कभी पूछ देता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। Why? Because Mendel discovered first genes as a factor. That's why father of genetics was Mendel. ठीक है, कुछ important points के through मैं आपको heredity, inheritance, traits, variation, evolution, ये सब सारी चीजों को एक important points के through मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दैट तुमने पढ़ा होगा, मूवी देखा होगा, बुक पढ़ी होगी, लोगों से सुना होगा कि हम लोग पहले बंदर हुआ करते थे, कितना अजीब था, ठीक है। पहले हम लोग क्या थे, पहले बंदर थे, मंकी। तो अर्थ पे अबाउट 40 मिलियन ईयर से वो मंकी था, ह्यूमन नहीं था, 40 मिलियन ईयर है वो, ठीक है। एक मिलियन में कुल 10 लाख होते हैं, तो 40 मिलियन मतलब लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जो है ये हमारा जो है पूरा एनवायरनमेंट ह्यूमन लेस था, मतलब उसके धरती पे कोई ह्यूमन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, ये मंकी में, मंकी क्या हुआ, मंकी कुछ समय तक मंकी को पैदा करता रहा, भाई इसके बच्चे हुए तो क्या, कौन हुआ, मंकी हुआ, ठीक है। ये भी मंकी हुआ और ये भी मंकी हुआ, ठीक है। तो जब तक मंकी से मंकी जैसा दिखने वाला कोई जानवर पैदा होता रहेगा, तब तक हम बोलेंगे देयर इज द सेम काइंड ऑफ हेरिडिटी। इट मीन्स जीन्स ऑफ मंकी इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर ऑफ स्प्रिंग, मीन्स द
The whole body covered by hair, having a tail, and they all are arboreal. So each time, even the parents and offspring. देखो parents मैं मुंह से बोल रहा हूँ और offspring बोल रहा हूँ, ठीक है? Offspring बोलते हैं daughter and son को biology में collectively. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे offspring. क्या बोलेंगे? Offspring बोलते हैं, ठीक है? और इसको तो parents बोलेंगे. पेरेंट्स. तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पेरेंट्स के बाद अगले जनरेशन वाले को हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, इसके बाद इसके बच्चे होंगे तो बोलेंगे ऑफस्प्रिंग, सब ये पेरेंट्स बन जाएंगे. सो मंकी से एक अगला जो बच्चा हुआ वो मंकी हुआ, दूसरा वाला बच्चा वो भी मंकी जैसा था, मतलब जीन्स पूरी तरह से पास हो गया. सो वी कैन से दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी बाय विच मंकी एबल टू फॉर्म मंकी नॉट डंकी. मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिससे मंकी का बच्चा मंकी ही हो, डंकी का बच्चा डंकी ही हो. गेहूं बोने से गेहूं ही उगे खेत में, धान बोने से धान ही हो, दशहरी आम लगाओगे दशहरी ही होगा. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. सो वी कैन से दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी इन मंकी बाय विच द मंकी मीन्स पेरेंट मंकी एबल टू फॉर्म द ऑफस्प्रिंग मंकी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज हेरिडिटी. सो हाउ कैन यू डिफाइन हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग विच कैरी द होल बॉडी डिजाइन द इंफॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी टू द नेक्स्ट जनरेशन. या ऐसे भी लिख सकते हैं, हेरिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग बाय विच इट एबल टू पास देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो इसको लिख लेना कॉपी में हेरिडिटी के बारे में. द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बींग बाय विच इट एबल टू पास द कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी. प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बींग बाय विच इट एबल टू पास द कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. इट मीन्स वी कैन से दैट which kinds of property associate with monkey by which monkey able to form monkey, the heredity. Monkey show the heredity and we can say that heredity is success. Here we can say that heredity is success. So this is all about matter of heredity. If this property is lost by the living being, if monkey lost the property of heredity, then what happened? There will be an error of copying of body design. If there will be error of copying of body design or copying of the whole sets of genes, then there will be defect in their child. Means पूंछ गायब हो जाएगा, hair गायब हो जाएगा, कोई न कोई defect आ जाएगा. कब? जब heredity की property कोई organism खत्म कर देगा. तो यहाँ पे लिख देना ऑर्गेनिज्म, अपने लैंग्वेज में लिख देना, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है तुमको. ऑर्गेनिज्म रिटेन द प्रॉपर्टी इन जनरेशन टू जनरेशन टिल हेरिडिटी रिमेन सक्सेस. ऑर्गेनिज्म रिटेन द प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन टिल द प्रॉपर्टीज ऑफ हेरिडिटी रिटेन. अगर प्रॉपर्टी ऑफ हेरिडिटी रिटेन रहता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसके कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते रहेंगे. इफ हेरिडिटी फेल्ड इट मींस इफ द प्रॉपर्टी ऑफ हेरिडिटी लॉस्ट इन एन ऑर्गेनिज्म, then there is a variation. It means change in phenotypic characters of living being called variation. Variation के बारे में पिछले चैप्टर में बता दिया था. Change in phenotypic characters
ऑफ लिविंग बीइंग कॉल्ड वेरिएशन। मतलब जब तक पेरेंट्स में हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है तब तक वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाता रहेगा, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, तो हम उस बच्चे को बोलेंगे वेरिएंट। क्या बोलेंगे? वेरिएंट। और वो प्रोसेस हो जाएगा वेरिएशन। क्लियर है? इस पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज इनहेरिटेंस। ये पॉइंट्स जीन जेनेटिक्स हेरिडिटी ट्रैट वेरिएशन ये सब हो गया, हेरिडिटी को भी घेर देते हैं, हेरिडिटी भी हो गया, इनहेरिटेंस बचा हुआ है। इस प्रॉपर्टी की जगह पे अगर प्रोसेस लगा दोगे, इस प्रॉपर्टी की जगह पे क्या लगा दोगे? प्रोसेस, ठीक है। तो ये डिफिनेशन इनहेरिटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ अ लिविंग बींग, प्रोसेस इन अ लिविंग बींग लिख देना है, ऑफ नहीं लगाना है, प्रोसेस इन अ लिविंग बींग, द प्रोसेस इन अ लिविंग बींग बाई विच इट एबल टू पास द कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन कॉल्ड इनहेरिटेंस। बस ये डिफिनेशन हो जाएगा इनहेरिटेंस का, ठीक है। इट मीन्स इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस टू कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड हेरिडिटी इज द प्रॉपर्टीज बाई विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस, मीन्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। ठीक है, लिसन, सपोज दैट ये हम इसमें बोलेंगे नो वेरिएशन। क्या बोलेंगे? नो वेरिएशन मीन्स नो चेंज। मंकी से मंकी होता रहेगा, कभी वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन किसी दिन मंकी से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी पूंछ गायब हो गई, ठीक है, मंकी से एक ऐसा बच्चा हुआ जिसकी पूंछ गायब हो गई और उसको हम लोग बोलते हैं गोरिल्ला। इसकी क्या हो गई? पूंछ गायब हो गई, ठीक है। यहां से सब लोग सुनेंगे, वीडियो आ रहा है ना सबको? तो किसी दिन क्या हुआ, मंकी से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी पूंछे गायब थी, तो उसके कॉलोनी वाले उसको भगा दिए। रीजन क्या था? जब मंकी जैसा कोई दिखेगा तो कॉलोनी में रखेंगे। अभी तुम्हारे घर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसकी इतनी बड़ी बड़ी सींग हो दो, ठीक है, और पीछे एक पूंछ हो, तो घर में रखेंगे नहीं, भगा देंगे भाई, कहेंगे ये राक्षस है, कहीं पता चला फ्यूचर में कहीं मार न दे, ठीक है। तो ये गोरिल्ला को लोग भगा दिए। अब गोरिल्ला क्या हुआ? गोरिल्ला इसलिए गोरिल्ला हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी फेल हो गई? हेरिडिटी फेल हो गया। हेरिडिटी क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। जब हेरिडिटी फेल हो गया तो नया जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंट। क्या बोल दिए? वेरिएंट। और ये भी चलने लगा, ऐसा नहीं कि ये वेरिएंट, ऐसा नहीं कि मंकी खत्म हो गया, नहीं, मंकी से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें सारे बच्चे तो मंकी जैसे थे, कुछ बच्चे डिफरेंट थे, इसीलिए मंकी आज भी हैं। सोचो कि अगर सारे मंकी आज इंसान बन गए होते तो आज धरती पे मंकी नहीं होता। क्यों मंकी है? क्योंकि कुछ मंकी आज भी मंकी अपने कैरेक्टर्स को कैरी ऑन किए हुए हैं, ठीक है, जिनमें चेंजेज होता रहता है, उनके बॉडी डिजाइन में भी चेंजेज होता रहा, और वो आज के नए मॉडर्न स्पीसीज है जो मंकी से डिफरेंट दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। तो ये गोरिल्ला को भगा दिए, गोरिल्ला का अपना पॉपुलेशन था, गोरिल्ला से गोरिल्ला बनता रहा, ये भी गोरिल्ला पैदा किया, ठीक है। मतलब जब अपने जैसा पैदा करता रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? नो वेरिएशन बोलेंगे। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी इन गोरिल्ला, गोरिल्ला बहुत बढ़िया है, गोरिल्ला अपने जैसा गोरिल्ला बना रहा, सब कुछ ऐसे ही एज यूजुअल चलेगा। एक दिन ऐसा हुआ गोरिल्ला से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो गोरिल्ला से ज्यादा बुद्धिमान निकल गया, उसको हम लोग क्या बोलने लगे? ऐप। माइंड में कुछ चेंजेज हुआ, न्यूरॉन्स कुछ थोड़े से ज्यादा डेवलप हो गए, ब्रेन कुछ ज्यादा बढ़ गया, ब्रेन कैपेसिटी कुछ ज्यादा बढ़ गई, सीधा और थोड़ा सा हो गया, बाल छोटे हो गए, पूंछ जो है बिल्कुल खत्म हो गया, पैर थोड़े से मजबूत हो गए, दो पैरों से पूरी तरह चलने लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐप। गोरिल्ला भी बना, ऐसा नहीं गोरिल्ला नहीं बना, गोरिल्ला भी बनता रहा, लेकिन कुछ बच्चे गोरिल्ला के ज्यादा बुद्धिमान होने लगे, उसको हम लोग ऐप बोलना चालू कर दी। अब इस ऐप के भी कुछ बच्चे हुए, ठीक है, तो ऐप जैसे दिख रहे थे कॉन्टिन्यूअस, ये ऐप जैसे दिख रहे थे नो डाउट, बट धीरे 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 एक दिन ऐसा हुआ कि उसी ऐप में से एक ऐसा ऐप डेवलप हुआ जो पुराने ऐप से ज्यादा बुद्धिमान था, एडवांस ज्यादा था, वो हथियार वेपन्स भी बनाना जानता था, खेती भी करना जानता था, उसको सब भगा दिए भाई, एक कॉलोनी में एडवांस निकल गया, उसको सब भगा दिया, अब अलग जाके कहीं अपना रहने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एंशियंट मैन। क्या बोलते थे? एंशियंट मैन।
ये एक दो दिन की घटना नहीं है कि मंडे को ऐप था और जो है फिर जो है ट्यूसडे को एंशिएंट मैन बन गया, वेडनेसडे को जो है कुछ और, नहीं, ये होने में मंकी टू एंशिएंट मैन हम आज ही आपको 15 मिनट के अंदर ही पढ़ा दिए, लेकिन इतना होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग गया, करोड़ों साल हो गया। हम तो ये खाली बता रहे हैं ना, इतने होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग गया। तुम बताओ तुम्हारे एरिया में कोई मंकी किसी दिन आदमी बना? नहीं बना। तो सोचो कितना टाइम लगा होगा किसी मंकी को एक इंसान बनने में, ठीक है? तो ये मंकी धीरे धीरे अब एंशियंट मैन और मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो गया। मॉडर्न मैन आज भी देख लो, तुम्हारे बाबा से तुम ज्यादा एडवांस होगे, तुम्हारे जो बाबा है उनसे ज्यादा एडवांस होगे। तुम जूम ऐप पे पढ़ाई कर सकते हो, बाबा अभी तुम्हारे कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, बाबा बस ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे। तुम्हारे बच्चे तुमसे और ज्यादा एडवांस होंगे, तो हो सकता है कि घर ही टीचर को डाउनलोड करके पढ़े, ठीक है? तो ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये चेंजेज उनके फिनोटाइप में, उनके जीनोटाइप में होता रहा कॉन्टिन्यूअस, इस वजह से उनके बॉडी डिजाइन में चेंजेज होता रहा, ठीक है? तो ये हम टाइम टू टाइम बोल सकते हैं, वेरिएशन फर्स्ट, वेरिएशन सेकेंड, वेरिएशन थर्ड, वेरिएशन फोर्थ, ये वेरिएशन होता रहता है। अगर ऐसा वेरिएशन जिसमें कंप्लीटली बॉडी चेंज हो जाए, अब एक मंकी से और एक मॉडर्न मैन का कंपेयर करोगे तो हमको बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर जाओगे जैसे मंकी टू एंशिएंट मैन, तो हमको क्लोज डिफरेंट मिलेगा, कम डिफरेंट मिलेगा, ये क्लोज रिलेशन है। सो ये लॉन्ग अगर डिफिनेशन हमको, बहुत लंबा चौड़ा अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट मिले, बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलता है, तो ये इवोल्यूशन है। सो दिस कॉल्ड इवोल्यूशन, दिस कॉल्ड इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज इन फिनोटिपिक कैरेक्टर विच लीड टू फॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस टाइप ऑफ लिविंग बींग फ्रॉम वेरी सिंपल टाइप ऑफ लिविंग बींग, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए अलग से हमारे पास टॉपिक पड़ा हुआ है, इसके बहुत ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बॉडी डिजाइन दूसरे बॉडी डिजाइन को रिटेन कैसे करती है, इसको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? सो योर टॉपिक इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बिफोर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, ठीक है? तो पहले मेंडल के बारे में समझेंगे, फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे, फिर उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो लिसन, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ मेंडेलियन इनहेरिटेंस है और कोई इनहेरिटेंस नहीं है, ठीक है? सो योर हेडिंग विल बी हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी, हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी इन डेप्थ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। हमारे सिलेबस में सिर्फ मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस मीन्स लॉज, नियम, नियम तो जानते हो, लॉज दैट गिवन बाई मेंडल वॉज लेटर कॉल्ड एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मीन्स जीन्स कैसे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट, दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं, डोमिनेंटली कोई एक पेरेंट अपीयर क्यों हो जाता है, क्यों एक दूसरा पेरेंट के कैरेक्टर दब जाते हैं, ठीक है? जैसे कोई ड्वार्फ है, कोई टाल है, ठीक है? कोई कोई आदमी है, मैंने मेल फीमेल जो है दोनों जो है कपल्स में, मम्मी जो है टाल है और पापा ड्वार्फ है, तो अगले जनरेशन में क्या होगा, कुछ कैरेक्टर ड्वार्फ वाला दब जाएगा, कुछ कैरेक्टर टाल वाला अपीयर हो जाएगा। काले और गोरे लोगों में से प्रॉपर्टी काले वाले की ज्यादा अपीयर होती है, गोरे वाले की कम, ये ऐसे क्यों होता है? जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगले जनरेशन में हमको विजिबल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो आखिर क्यों होते हैं, इसके बीच में रूल्स क्या है, ये सब सारे कैरेक्टर्स के पीछे एक लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, उस रूल्स को देने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन उसमें से एक साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, उनकी थियरी हमारे सिलेबस में है, उसकी डिस्कस हम लोग करेंगे। देखो, बहुत सारे लोगों का बाल अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे W शेप बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विडोज पीक, उल्टा M बन जाता है, मतलब ऐसे M बनता है लेकिन इसको W बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं विडोज पीक। यहाँ ईयर दिख रहा है ना, ईयर, कान को ध्यान से देखोगे तो ये दो तरह के प्रॉपर, दो तरह के कान मिलेंगे, एक कान ऐसे होगा शरीर से थोड़ा सा फ्री होगा, इसको क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब, क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब, ठीक है? और कुछ कान ऐसे होते हैं,
एकदम से चिपके होते हैं बॉडी से, ठीक है, इसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है। अगर किसी का इस तरह से दिख रहा है ईयर लोब, तो अपने मम्मी पापा का चेक करो, किसी न किसी का होगा। ये गाल हंसने पे किसी किसी के गाल में ऐसे डिम्पल्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। ये कोशिश करो चेक करने की कि मम्मी पापा में से किसी न किसी एक का जरूर गाल पे गड्ढे बनते ही होंगे। आंख का कलर अगर भूरा रंग का है तो मम्मी पापा में से किसी एक का कलर आंख का भूरा ही होगा। अगर ये दिख रहा है बाल, बाल अगर से घुंघराले हैं, ठीक है, जैसे सचिन का है घुंघराला बाल, तो उसके बेटे का अर्जुन तेंदुलकर का देखोगे तो ऐसे घुंघराला बाल मिलेगा। तो ऐसे घुंघराले बाल, आंख का कलर, डिम्पल्स, ये ईयर लोब और भी बहुत सारे बाल बियरनेस, गंजापन। अगर कोई किसी के पापा का बाल गंजा है तो उसके बेटों का गंजा होना तय है। ये भी एक जेनेटिक कैरेक्टर, बेटियों का नहीं, ये वाई क्रोमोजोम से, बेटी में वाई क्रोमोजोम जाता ही नहीं। बाल बियरनेस के कैरेक्टर बेटियों में नहीं जाता है, बेटों में जाता है। वाई बिकॉज बेटियों में एक्स एक्स ही होता है, वाई कैरेक्टर कभी नहीं होता है। ये बातें सब लोग ध्यान में रख लेंगे।